खरगोन जिले में रुपए देकर शादी करने के धोखाधड़ी के शिकार होने के मामले थमते नजर नहीं आ रहे हैं। मंगलवार को समीपी जिले महाराजखेड़ी जिलाधार के युवक ने खरगोन की युवती सहित 6 लोगों पर शादी के नाम पर उसके साथ धोखाधड़ी करने की शिकायत एसपी को की है। पीड़ित ने आरोप लगाया कि शादी के 8 दिन बाद पत्नी अपने मायके गई, जो 9 माह बीत जाने के बाद भी नहीं लौटी। एसपी के नाम की गई शिकायत में राहुल पिता प्रदीप ने बताया कि वह महाराजखेड़ी का निवासी होकर खरगोन निवासी मेघा नाम की युवती से 17 जनवरी 2023 को शादी हुई थी। यह शादी जितेंद्र लाखन, अजय सागरी, दिनेश और सुरेखा नाम की महिला ने कराई थी। इसके एवज में 2,30,000 रुपए भी लिए थे। शादी के 8 दिन बाद मेघा ने कहा कि मेरी मां की तबीयत खराब है, मैं मेघा को लेकर खरगोन आया था, जहां बस स्टैंड पर सुरेखा उसे साथ ले गई थी और मैं घर लौट गया था। अब तक मेघा नहीं लौटी, अब जब मैं सुरेखा के घर गया तो वह मुझे धमकी दे रही है। राहुल ने बताया कि मेघा अपने साथ सोने के जेवर भी ले गई है। इन तीनों ने मिलकर मेरे साथ धोखाधड़ी की है। एसपी से मामले में जांच करवाकर कार्रवाई की मांग की है। भारतीय न्यूज के लिए खरगोन से रजाक खान की रिपोर्ट। क्या हुआ आपके साथ? तो मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है सर। किस तरह की हुई थी? शादी के लेके। क्या हुआ? शादी करवा दी और फिर ना बुलाने के टाइम पे पहुँचवा ली और बोला कि हाँ पहुँचा देंगे और लेने आता हूँ तो मारने धमकी देती है सर। वो बस टाइम से मेरे को भगा दिया था। शादी कब हुई थी? और शादी 16 तारीख को हुई थी, जनवरी को। सुरेखा ने करवाई थी। सुरेखा और जितेन उनमें रहते हैं, और जब भी मैं आता हूँ तो मेरे को मारने की धमकी देती है। आओगे तो हाथ पांव तोड़वा के फेंकवा दूंगी नाले में, इसमें ऐसे करके। शिकायत करी आपने? सर थाने में भी करी है, तो अभी 15 दिन हो गए सर, अभी तक उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की मेरी। अब क्या मांग करते हैं आप? अब मैं बस यही, मेरे पैसे आ जाए यही मांग कर रहा हूँ। कितने पैसे दिए थे? 2,30,000 रुपये दिए थे और रकम भी थी 60,000 की। अभी आप एसपी साहब से मिले क्या? आश्वासन मिले आप? हाँ उनके बस करते हैं, रख लिया और कार्रवाई करेंगे बस, ऐसा बोला सर ने। क्या नाम है आपका? राहुल दुबे। Subscribe now to most exciting channel ever.